तो देखिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फीस है जो रिफंड में होने वाली है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो पहले का मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर 5 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा गया, तो अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये काटकर 5,000 रुपये में से यानी कि 4,800 रुपये है, यानी कि 4,800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। किंतु अब महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने व शेष शुल्क जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काटकर यानी कि 4,400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आपको 4,400 रुपये मिलेंगे, 600 रुपये आपके काटे जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था और आपने रिपोर्टिंग तो कहाँ से करनी थी, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था तो उस कंडीशन के अंदर आपको है जो 4,800 रुपये है जो रिफंड मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, आपको पता चल गया होगा कि कितनी आपको फीस है जो रिफंड में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप पीटीटी 2021 के आपने आवेदन किए थे, उसके बाद आपने को कॉलेज मिला था या फिर आपने कॉलेज लिया नहीं या फिर आपको कॉलेज मिला नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर आपने जो 5,000 रुपये का चालान काटा था वो आप किस प्रकार से रिफंड ले सकते हो और कितना रिफंड आपको मिलने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता हूं आवश्यक दस्तावेज इसके अंदर जो लगने वाले हैं। एक तो लगेगा आपका पीटीटी का रिजल्ट वाला पेज, यानी कि जो रिजल्ट आया था वो पेज आपको साथ में लगाना है। 2 नंबर पे आपको लगाना होगा बैंक पासबुक, जो कि अभ्यर्थी की स्वयं की होनी चाहिए, अन्य किसी माता पिता भाई बहन की होगी तो उसका रिफंड नहीं किया जाएगा, उसका रिफंड है जो निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को स्वयं का खाता खुलाना है और उसके बाद में ही उसको है जो रिफंड के लिए आवेदन करना है, तो उसको बैंक पासबुक या फिर खाली चेक लगाना होगा, कैंसिल चेक का जो उसको साथ में लगाना होगा, अटैच करना होगा। उसी कंडीशन के अंदर उसका रिफंड है जो जारी किया जाएगा, अन्यथा उसका रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। और 3 नंबर पे कैंडिडेट की जो आईडी लगने वाली है वह है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर वो लगा सकते हैं वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन का, एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, साथ में पासपोर्ट साइज भी है जो लगा सकते हैं साथ में। तो ये 3 ही दस्तावेज जो लगने वाले हैं। एक मोबाइल नंबर लगेगा, अगर कैंडिडेट के पास में है तो ठीक है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर की भी। तो ये दस्तावेज नॉर्मली जो लगने वाले हैं मैं वीडियो में बता देता हूं आपको किस प्रकार से जो रिफंड के लिए आवेदन करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आपको पीटेट रिफंड का आवेदन करने के लिए इस प्रकार से आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में एक ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना होगा पीटीईटी आरराज 2021 के बाद आप .com.org भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इस साइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है PTET RAJ 2021.com। जैसे ही मैंने ये लगाया है तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ चुका है। देखिए इस प्रकार से नया पेज आने के बाद यहाँ से आपसे बोलता है कि आपको 2 साल वाली थी या फिर 4 साल वाली बीड थी। तो यहाँ से मेरी 2 साल वाली थी, मैं 2 साल वाली सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने 2 साल वाली सिलेक्ट किया, इस प्रकार से पेज आपके सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 3 नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई फॉर रिफंड, तो आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बोलता है कि कोर्स सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपको पीटीईटी 2021 आ जाता है। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आईडी। यहाँ पर आईडी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आईडी कौन सी डालनी है, तो ये आईडी आपको वो डालनी है जब आपका रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट के पेज के नीचे आपके नंबर के नीचे एक आईडी लिखी हुई थी, वो आईडी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद नाम डालना है, उसके बाद कैंडिडेट की मदर नेम डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट में डिटेल डाल के इसको लॉगिन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे ओके कर दोगे इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पूरा एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आपके बैंक का आईएफएससी कोड डालना रहेगा, जिस भी बैंक में आप रिफंड लेना चाहते हो उस बैंक का यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है। पर आप जैसे आईएफएससी कोड डाल दोगे आपको पूरी डिटेल जो यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट के बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और कन्फर्म अकाउंट नंबर में भी कैंडिडेट के बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का बैंक में क्या नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्कैन कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंक पासबुक और एक एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ और बैंक पासबुक की या फिर कैंसिल चेक की आपके पास है, जो भी फोटो अवेलेबल है फाइल के अंदर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है और उसका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। अगर कोई आधार कार्ड वगैरह तो उसकी फोटो कॉपी निकाल के वैसे भी आप स्कैन कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चालान नंबर ऑटोमेटिक दिखा देगा, जो चालान नंबर आपने बनाया था, जिस भी तरीके से आपने चालान काटा, जैसे ईमित्रा से काटा है या फिर बैंक से काटा है, तो जिससे भी आपने चालान काटा है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ये बोला कि रिफंड टू बी डन, तो इसके अंदर आपको नो कर देना है कि अभी तक आपका रिफंड डन नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपने कोई दो चालान काट दिए, तीन चालान काट दिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एनी अदर चालान, इस पे ओके करना है और यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपके नीचे चालान नंबर मांगा जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी, चालान नंबर डाल के आप जैसे आगे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और पेमेंट मेथड जो भी है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। कई बार अन्यथा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो आपके चालान नंबर पे होता है, और उसी चालान की कॉपी यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको देखिए एनी अदर चालान पे मेरा कोई चालान नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ओके करना है, और यहाँ पे आपको एक सेव करने वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव आपको इस पे ओके करना है। जैसे मैं इस पे ऑप्शन पे ओके करता हूँ, पेज एक बार रीलोड होता है और मेरे सामने इस प्रकार से पेज आता है, सेव सक्सेसफुल। तो आपको ओके करना होता है। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट आउट आ जाता है और आपका इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एप्लीकेशन आईडी, यानी कि आपने जिस टाइम अप्लाई किया वो आईडी, उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखा रहा है, और नीचे दिया हुआ है कि रिफंड अभ्यर्थी के समय के बैंक खाते में ही दिया जाएगा, यदि किसी भी अन्य जैसे कि भाई बहन माता पिता के खाते में नहीं किया जाएगा। तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी है कि अभ्यर्थी के समय के खाते में ही रिफंड मिलने वाला है, अन्य के किसी के खाते में रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो अन्य किसी का खाता न लगाए और अभ्यर्थी का समय का खाता खुला करके समय का खाता ही लगाएं, ताकि उसको रिफंड मिल जाए, उसका रिफंड कहीं पर अटके ना। तो जितना जल्दी उसके अपना खाता खुलवा दीजिए अगर आपका खाता नहीं खुला हुआ है तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दी गई वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।